राजस्थान बोर्ड में हुआ कमाल, एक ही स्कूल के 3 स्टूडेंट 99 पार। लड़कियों ने बोर्ड में मारी बाजी, तेजी से आगे बढ़ रही आधी आबादी। राजस्थान बोर्ड की ओर से आज रिजल्ट की घोषणा कर दी गई, जिसमें साफ तौर पर लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई। लड़कियों का कुल पासिंग प्रतिशत 94.06% रहा, जो पिछली बार के मुकाबले बेहतर दिखाई दिया। वहीं लड़कों का पासिंग परसेंट इस बार 90.65% रहा है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 2023 में कुल 91.3% छात्राएं पास हुई थी, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंट कुल 89.78% रहा। राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणाम में बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने साइंस में 99.80% अंक हासिल किया, जो प्रदेश में टॉप पर है। लेकिन इस बीच खबर है कि एक ही स्कूल के 3 स्टूडेंट ने 99% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी 12वीं बोर्ड में जयपुर के स्टूडेंट ने बाजी मारी है। जयपुर के स्कूल अर्चना चिल्ड्रन अकेडमी के 3 स्टूडेंट ने 99.20% नंबर लाए हैं, जिसमें शुभम सिंह नरुका ने आर्ट्स में 99.20% और तनिष्का कुमावत आर्ट्स में 99.20% और इसी स्कूल की खुशबू महर्षि ने साइंस में 99.20% अंक हासिल किए। अब इनकी चर्चा पूरे प्रदेश में जारी है। वहीं आर्ट्स का रिजल्ट भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहा है। इस बार राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में कुल 96.88% स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है। पिछले साल की बात करें तो 2023 में राजस्थान बोर्ड 12वीं में आर्ट्स में कुल 92.35% स्टूडेंट ने परीक्षा पास की थी। इस बार का रिजल्ट पिछले साल से काफी बेहतर रहा है। राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आईसीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड भी रिजल्ट जारी कर चुके हैं। इस साल आईसीएसई, आईएससी, हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड ने टॉपर लिस्ट जारी ही नहीं की। बता दें कि इस साल साइंस में 97.73%, कॉमर्स में 98.95% और आर्ट्स में 96.88% राजस्थान बोर्ड्स में पास हुए हैं। 12वीं के इस परिणाम में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी। इस बार जयपुर जिले का परिणाम सबसे अच्छा रहा। जयपुर में आर्ट्स में 94.47%, कॉमर्स में 98.71% और साइंस में 97.41% बच्चे पास हुए हैं। जयपुर में तीनों ही विषयों में पिछले साल से अच्छा रिजल्ट माना जा रहा है। तीनों ही विषयों में इस बार लड़कियां आगे रही हैं। बहरहाल देखने वाली बड़ी बात है कि आने वाले समय में इन टॉपर्स बच्चे और बच्चियों को बोर्ड की तरफ से अथवा राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कुछ इनाम में देकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी।